हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आज आपको क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आती हैं। ठीक है, किसी भी तरह की परीक्षा में ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति होता क्या है? क्षेत्रमिति क्या होता है कि गणित की वह शाखा जिसमें लंबाई चौड़ाई मतलब लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, आयतन के अलावा पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इन सब के माप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो माप का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से तीन हो सकता है, जैसे लंबाई क्षेत्रफल और आयतन। तो गणित की वह शाखा जिसमें लंबाई क्षेत्रफल और आयतन इन सब चीजों का माप का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक आंकिक क्षमता का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो इस अध्याय में हमसे बहुत सारे तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज वृत्त आदि सामान्य ज्यामिति आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप के साथ घनाभ घन प्रिज्म बेलन पिरामिड शंकु आदि विशिष्ट ज्यामितिक आकृतियों का अध्ययन आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होते हैं? त्रिभुज के, आयत के, घन के, घनाभ के, चतुर्भुज के, बेलन के, शंकु के, पिरामिड के। तो उनके आयतन पढ़ना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों को पढ़ना, उनका परिमाप जानना, तो इन्हीं सब की शाखा का नाम मेंसुरेशन है। ठीक है, तो हम इसके दो पार्टों में पढ़ेंगे, एक में जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप पहला पार्ट, फिर हम पढ़ेंगे आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अब हम पहले पार्ट में ये वाला पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी पढ़ेंगे। तो पहले हम ना कुछ क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित आकृतियों के सूत्र सीखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बहुत सारे तरह के प्रश्न करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, किसी भी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को, यानी उसकी भुजाओं से, किसी भी आकृति का उसकी भुजाओं से, उसकी भुजाओं से घिरे हुए तल को, ठीक है, घिरे हुए तल को, प्लेन को, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल की इकाई जो होती है ना, यूनिट, वो होती है या तो वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एक होता है परिमाप। परिमाप को परिधि भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर परिमिति भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसे पेरीमीटर कहते हैं, PERI पेरीमीटर, और इसको क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जो परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का उसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योग को, यानी जितनी भी आकृति होगी तो उस आकृति में भुजा का योग, तो भुजा का योग जो होगा उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहलाता है। ठीक है, परिमाप या परिमिति कहलाता है। ठीक है, तो परिमिति जो होती है उसकी जो यूनिट होती है यानी जो इकाई होती है वो मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, तो जो एरिया है उसका यूनिट यानी उसकी जो इकाई होती है मापने की वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जो परिमिति या परिमाप होता है उसकी इकाई मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर होता है। ठीक है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आकृति, तो वो होता है एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ठीक है, तो जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ट्रायंगल तो हम जानते हैं, छोटी क्लास से ही हमें पता चल जाता है कि ये ट्रायंगल मतलब होता क्या है। तो ट्रायंगल होता है कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र। तो तीन भुजा हो गया, एक दो तीन, तो तीन भुजा से कोई घिरा हुआ समतल आकृति या क्षेत्र वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज माने ट्रायंगल, और त्रिभुज के लिए कैसा चिन्ह यूज होता है? तो ऐसे ही चिन्ह यूज होता है। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ठीक है,
तो तीन भुजा कौन कौन सी हो गई, ये हो गया ए बी, बी सी और ए सी। ऐसा भी कहते हैं कि ए के सामने वाला ए हुआ, बी के सामने वाला छोटा बी, ये भुजा हुआ, भुजा की लंबाई, और सी के सामने छोटा सी। ठीक है, और त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है, शीर्ष माने बिंदु, तो तीन बिंदु कौन हुआ, ये ए, ये बी, ये सी। बिंदु को बड़े अक्षर से या बड़े लेटर से दिखाया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ऐसी इसके अलावा तीन कोण होते हैं, तो ये कोण है जैसे ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए लिखना है तो बी ए सी, अगर बी लिखना है तो ए बी सी, सी लिखना है तो बी सी ए, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये भी एंगल ही होते हैं, और एंगल के जो तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे के कई क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ही कामयाब चीज होगी ये, कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा बनता है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है, और तीनों जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अगर हम इसकी परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो वो हो जाएगा तीन गुना भुजा, यानी जितनी भी भुजाएं हैं उनको जोड़ लो, तो ए ए ए जोड़ेंगे तो 3a, यानी तीन गुना भुजा, 3a भी कह सकते हैं। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा, यानी रूट 3/4 a का स्क्वायर। तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब जो इसमें एक चीज और सीखनी होती है कि जैसे इसे शीर्ष कहते हैं, तो इस शीर्ष से इसकी किसी एक भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ से एक ऐसे लंब खींचा है, ठीक है, तो जैसे हमने शीर्ष ए से भुजा बी सी के ऊपर ऐसे लंब खींचा है, तो इस शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो उसकी शीर्ष लंब की लंबाई का भी एक फॉर्मूला होता है, तो लंब की लंबाई, तो अगर हमें लंब की लंबाई निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 और गुना भुजा। ठीक है, तो ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज की बात, और सॉरी यहाँ पर हम दो लेंगे, ठीक है, √3/2 गुना में भुजा। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे समद्वि, दो नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसा बन सकता है कि इसकी दो भुजाएं तो ये बराबर हो, ठीक है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये दो भुजाएं तो बराबर होंगी ए, और इसके ऊपर एक लंब खींच लेते हैं डी, तो ये जो भुजा होगी ये होगी बी। ठीक है, यहां से पूरी बी। तो इसमें क्या होता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसकी कोई दो भुजाएं जो होती है ना वो बराबर लंबाई की होती है, तो ये जो दो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की है, कोई भी दो हो सकती है, ज्यादातर ये दो होती है। ठीक है, तो कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है, इसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए √b/4 √4a² - b² ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके परिमाप की बात करें, तो इसका परिमाप होता है तीनों भुजा का जोड़, तो ए ए और प्लस बी, यानी 2a + b। और अगर हम शीर्ष ए से इसके ऊपर डी लंब खींचे, तो जो जो लंब की लंबाई होती है शीर्ष से, तो लंब की लंबाई भी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ए डी बराबर क्या होगा, तो √4a² - b² / 2। ठीक है,
तो यही वाला है 4a² - b² √ अपर बटे में 2 है, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, शीर्षलंब निकल जाएगा, ठीक है। तो शीर्षलंब याद रहेगा तो क्षेत्रफल भी याद हो जाता है, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपको याद करना है। अब तीसरा पढ़ेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें ना तीनों भुजाएं असमान होती हैं, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम जैसे मैं बना देता हूं, तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो इसमें ए के सामने वाला ये ए मान लेते हैं, बी के सामने बी और सी के सामने सी। इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। अब एक हम यहाँ से लंब खींच लेते हैं और ये हाइट मान लेते हैं इसको डी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम कौन कौन सी चीजें सीखेंगे, जैसे क्षेत्रफल। अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, जब हमें बेस और हाइट पता हो तब, ठीक है। यानी बेस यहाँ पे कौन है, बीसी, ठीक है। तो यानी 1/2 बेस हो जाएगा बीसी और हाइट हो जाएगा ये एडी, ठीक है। तो यानी आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। ऐसी अगर ये मान लो हमें लंब नहीं पता या आधार नहीं पता तो फिर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक हिरोन सूत्र होता है जिसका फॉर्मूला होता है S, S-A, S-B और S-C। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो S होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि तीनों साइड को आधा हाफ ले लेते हैं, यानी अर्ध परिमाप ले लेते हैं। इसको अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप के लिए तीनों भुजा को जोड़ के बटे में 2 को S लेते हैं, फिर S इस फॉर्मूले में रखकर इससे एरिया निकालते हैं, ठीक है। और अगला हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, a+b+c। उसके बाद हम चौथी चीज पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण जो होता है ना, कोई भी एक कोण वो 90 डिग्री का होता है, ए बी सी कोई भी। तो ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का अगर डायग्राम देखें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, बी को 90, बस इसमें एक एंगल 90 होता है, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, हमने यहाँ पे बी लिया है, ठीक है। तो यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, जिसमें एबीसी जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएं, जैसे ये दो भुजाएं बराबर हो जाएं ए बी और बी सी, तो जिसमें जब दो भुजाएं बराबर हो जाता है तो इसी त्रिभुज का नाम बन जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में बन जाता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका नाम। अब हम इसका सीखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना लंब से निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर लंब गुना आधार, ठीक है। इसके बाद अगर हमें परिमाप निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों भुजा जोड़ देंगे। तो देखो ये मान लो ये 90 है और ये वाली जो भुजा होती है नीचे वाली, ज्यादातर ये आधार होती है, और ये जो खड़ी लाइन होती है ज्यादातर ये लंब होती है। जब ये थीटा होता है तो ये लंब होता है, और ये थीटा है तो ये लंब होता है, ठीक है, ये दोनों चेंज आते हैं। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये टेढ़ी लाइन 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ते हैं, लंब जमा आधार जमा कर्ण, तीनों को जोड़ दो। तो यानी हम ए बी को जोड़ दें, बी सी और एसी तीनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी के सामने बी और सी के सामने सी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a+b+c, तीनों का जोड़ जाएगा, ठीक है। अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण में हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण यानी बी का स्क्वायर बराबर लंब यानी सी का स्क्वायर आधार यानी ए का स्क्वायर। तो वही बी निकालना हो तो अंडर रूट
सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे कम याद रहेगा, आप ऐसे याद करेंगे। अगर कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कर्ण लंब आधार तीनों में से कोई दो पता हो तो तीसरा पता चल जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पे अब कोण, अब तो ये भुजा के आधार पे त्रिभुज थे, अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हम मान लेते हैं कि मैंने त्रिभुज बनाया, इसमें तीनों कोण जो हैं वो 60-60 डिग्री के हैं, यानी 90 से तीनों कम है, तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसी एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है यानी 90 डिग्री से ज्यादा होता है उससे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक कोण बनाया, मान लेते हैं ये एंगल 140 डिग्री का है, तो ये 90 से ज्यादा है, तो जिसमें एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उससे अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो इतनी चीजें होती हैं त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चार भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए कोई भी समतल क्षेत्र को या समतल आकृति को या समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो ऐसे छोटा सा डब्बा बनाते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो चार भुजा मान लेते हैं ए बी सी डी, तो एक भुजा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, तो इसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर चार कोण होते हैं और इसके अंदर चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो जैसे त्रिभुज में तीन तीन थे, इसमें चार चार होते हैं, तो चार कोण ए बी सी डी और शीर्ष ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम इसमें एक और भी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी एक आकृति बनाई, मान लो कोई भी आकृति है, ये ए बी सी डी है, तो अगर हम ए बी सी डी में इनको मिला देना, अंदर वाले ये दो शीर्षों को मिला दें, तो इसके अंदर अंदर एक रेखा बन जाती है, तो इन्हें विकर्ण कहते हैं। तो जो रेखाखंड आपको ए सी नजर आ रहा है और बी डी नजर आ रहा है, ये विकर्ण होते हैं। तो ए सी और बी डी ये क्या होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, तो इनको बोलते हैं विकर्ण। अब ये जो विकर्ण होते हैं ये चतुर्भुज के अंदर जो होते हैं वो दो होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये कहीं पे काटते हैं, तो इसे प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। तो ये जो आमने सामने भुजाएं हैं ये सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, और सम्मुख भुजाएं जो हैं कौन कौन है, तो एक तो ए बी और ए बी के सामने वाला ये डी सी, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, और ये जो अंदर वाली भुजाएं हैं ये विकर्ण होते हैं। और चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगली वीडियो में इसके आगे और भी चीजें सीखेंगे। ठीक है।